बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा के लिए खुश रखे, आमीन। एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ फिर जुड़ा हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 50% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से। कौन से ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहों में 50% का ये इजाफा किया गया है, तमाम तर तफसीलात इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट का जो कि 22 जुलाई 2022 को इशू किया गया है, इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने है। ग्रांट ऑफ सिविल सेक्रेटेरिएट अलाउंस के सिविल सेक्रेटेरिएट अलाउंस 50% का उनकी महाना जो मंथली बेसिक पे है उस पर दिया जा रहा है। वो एम्प्लाइज जो कि सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब में काम कर रहे हैं, गवर्नर हाउस या सेक्रेटेरिएट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिनके स्केल 1-22 हैं, उनकी तनख्वाहों में सेक्रेटेरिएट अलाउंस का 50% का इजाफा किया गया है। वो सरकारी मुलाजमीन जो कि सीएम हाउस में, सीएम सेक्रेटेरिएट में, गवर्नर हाउस या गवर्नर सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं और वो अपनी तनख्वाह उसी पे रोल से ले रहे हैं जिस में वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो स्केल 1 से स्केल 22 तक के मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में 50% का सेक्रेटेरिएट अलाउंस का इजाफा किया गया है। इन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ये इजाफा 1 जुलाई 2022 से दिया गया है। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको ये अलाउंस नहीं दिया जाएगा, वो भी नीचे बता दिए हैं कि वो ऑफिसर जो कि एग्जेक्टिव अलाउंस ले रहे हैं उनको ये इजाफा नहीं दिया जाएगा, या इसके अलावा वो ऑफिसर या ऑफिसर जो कि पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में, गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफिस में डेपुटेशन पे आए हैं या पोस्टेड बाय ट्रांसफर आउटसाइड द सेक्रेटेरिएट, गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफिस इंक्लूडिंग अटैच डिपार्टमेंट फील्ड फॉर्मेशन एंड ऑटोनोमस बॉडी से अगर कोई मुलाजमीन हायर किए गए हैं तो उनको ये इजाफा नहीं दिया जाएगा। एम्प्लॉज जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर हैं, स्टडी लीव पर हैं या लॉन्ग लीव पर हैं, 90 डेज़ या इससे ज़्यादा हैं, अगर कोई मुलाजम ट्रेनिंग अब्रॉड कर रहा है या अंडर सस्पेंशन है तो उसको भी ये इजाफा नहीं दिया जाएगा। वो ऑफिसर्स जो कि बिलोंग करते हैं जुडिशरी से, डिप्यूट किए गए हैं लॉ डिपार्टमेंट से या एनी अदर डिपार्टमेंट से इन पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट, हु आर इन रिसीट ऑफ जुडिशरी उब्लीग स्पेशल अलाउंस, इसके साथ साथ वो ऑफिसर या वो ऑफिशियल जो कि पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट, गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफिस वाइल पोस्टेड इन अदर डिपार्टमेंट, कि वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में पोस्टेड किए गए हैं, इन द सेक्रेटेरिएट हु आर इन रिसीट ऑफ डिपार्टमेंट स्पेसिफिक अलाउंस, के वो सरकारी मुलाजमीन जो कि गवर्नर हाउस पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट सेक्रेटेरिएट में तैनात हैं लेकिन वो पोस्टेड किए गए हैं किसी और डिपार्टमेंट में, तो उनको भी ये इजाफा नहीं दिया जाएगा। एक दूसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी, अगर आप कोई मकान लेना चाहते हैं तो zameen.com का मैं एफिलिएट मेंबर हूँ, आप किस्तों पर मकान, प्लाट या अगर आपके पास इजाफी रकम है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा मुझे, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, आपके लिए मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए आपको कॉल की जाएगी, हमारे जो नुमाइंदे हैं आपसे बात करेंगे, सूटेबल आपके लिए प्लाट या आप बना बनाया मकान या आप इन्वेस्टमेंट के लिए मुकम्मल जो रहनुमाई है वो आपको पहुंचा दी जाएगी। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।